जलंधर में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में झंडा फहराया और उसके बाद पंजाब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स व एनसीसी की टीम ने परेड की। सुरक्षा पेंशन 500 रुपए तो वधा के 750 रुपए प्रति महीना की गई है। अपने कार्यकाल दौरान समाज की मौके पर कोरोना काल के दौरान अपना योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। जलंधर पहुंची कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाबियों ने देश की आजादी के लिए 80% से ऊपर कुर्बानियां दी हैं। वहीं इस मौके पर अरुणा चौधरी ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू व अन्य कांग्रेसी MLA पर दिल्ली में हुए हमले को निंदनीय बताया। 72वां गणतंत्र दिवस थे, मैं सारियां नु राजू हाथ थोड़ा थल्ले कर ला यार, मीडिया वालों भी बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है। सो अज दे दिहाड़ा एक बहुत ही पवित्र दिहाड़ा है कि जड़ी असी इन्नी संघर्ष के बाद, लंबे चले संघर्ष के बाद असी अज ये प्राप्तियां कीतियां ने। सो सानू इनू कायम रखना बहुत ही जरूरी है और साड़ी ये भी बहुत वड्डी मान दी गल है कि जिन्नियां भी लहर आज़ादी दी चली है अपने देश में आज़ाद कराउण दे, उहदे विच 80% तो वध योगदान पंजाबियां दा रहा। सो पंजाबियां ने हर संघर्ष के अपनियां जानां गवा के अज का ये आज़ाद भारत का सुपना जोड़ा देखा से वह साकार किया। हूँ अगे साडा फर्ज़ बनता है कि असी इस उन्होंने सपना जोड़ा उन्होंने सानू आज़ाद देश करके दिता जिद असी खुली फिजा च सह लै रहे हैं उन्होंने बरकरार रखिए और अपने इलाके की, अपने सूबे की, अपने पंजाब की तरक्की दे वास्ते काम करिए कि चंगे नागरिक होने दे, अपने फर्ज़ में निभाइए और अपने छोटे छोटे जड़िया अपन मुश्किल ने उन्होंने हल करके आपस में बैठ के, क्योंकि जिला प्रशासन हमेशा ही बहुत ही पॉजिटिव टीम होंगी है और हर एक दिया मुश्किलों हल करन वास्ते हर वेले तैयार होंगी है। सो असी सारियां नू रल मिल के एक चंगे पंजाब नू तरक्की दे रस्ते चलता होया असी देखना चाहते हैं। मैम एक तुसी गल कीती पंजाबियों दा 80% हैगी है काले कानून ने उन्होंने रद्द किया और कठे सारे मिल के असी गवर्नर साहब को गए, उन्होंने मेमोरेंडम दिता, उन्होंने दिते कि तुसी साइन करके अगे भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि साइन गवर्नर दे होके फिर अगे जाने होंगे। लेकिन अफसोस की गल है कि उन्होंने अज तक कोई साइन नहीं किए, कागज उन्होंने को ही पे हुए हैं। सो जो पंजाब के किसानों की बांह फड़ी है वो कांग्रेस पार्टी ने फड़ी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फड़ी है और अज भी उन्होंने जी अनाउंसमेंट की है कि 5 लाख रुपया जो भी इस कोई इन्हों अपनी जान गवा बैठा इस अंदोलन की वजह न उन्होंने वित्तीय सहायता 5 लाख वो परिवार को दी जाएगी और हर परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी जी दी जाएगी। देखो ये तो अंदोलन एक बहुत शांतमय अंदोलन चल रहा है, किसानों का मैं लगता ये कोई रोल नहीं है क्योंकि शरारती अंसर जड़े ने वो भी उत्थे विच शामिल हो गए हैं। हुण किसी को पता आइडेंटिफाई तुसीं नहीं कर सकते कौन कित्थे की कर रहा। सो बड़ा मंदभागा काम होया, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ईवन किसान जथेबंदियों ने भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता नाल लिया है कि इस तरह का काम जड़ा है वो साडे बिल्कुल उहदे च नहीं है, एजेंडे च नहीं है। असीं तो अपने हक्कां वास्ते लड़ रहे हैं तो असी डट के उन्होंने नाल। किसानों ने एक नवा ऐलान किया है कि बजट वाले दिन संसद के रूप में पहले जाएगा। देखो अपने हक वास्ते लड़ाई करना कोई असी एक डेमोक्रेसी है, बहुत वड्डा डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान दे विच, अपने हक की गल करना कोई गलत गल नहीं है। हाँ अगर वो मार्च करना चाहते पीसफुली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,